नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एफबी फूड्स। दोस्तों आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस। इसके लिए मैं एक छोटा सा फ्राई पैन लिया हूँ। फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाला हूँ, तेल गर्म होने तक वेट किया। जब गर्म हो गया तो उसमें काटा हुआ प्याज डाला हूँ। प्याज डाल के हल्का सा उसको गोला था। जब प्याज हल्का सा फ्राई हो गया तो मैं इसके अंदर टेस्टिंग साल्ट ऐड कर दिया, ताकि टेस्टिंग साल्ट सबसे पहले ऐड करने से क्या है, वो अच्छा से प्याज वगैरह को लग जाता है। जब प्याज फ्राई हो जाता है तो वो हल्का सा ब्राउनिश कलर आता है, उस समय मैंने मिर्च और गार्लिक दोनों मिला हुआ, दोनों कटा हुआ चीज़ है, मैंने उसमें डाल दिया। फिर इसके बाद मैंने मटर लिया हूँ, मटर उसमें मिला दिया। फिर उसके बाद कैप्सिकम मिला दिया हूँ, जो शिमला मिर्च होता है वो मिला दिया हूँ। फिर उसके बाद कटा हुआ बीन्स को मिलाया हूँ। फिर उसके बाद कटा हुआ कैरेट, छोटा थोड़ा कटा हुआ कैरेट को मिला दिया इसमें। फिर उस ये सबको साल्ट सबको लगने के लिए साल्ट डाला हूँ, ताकि अच्छे से, अभी साल्ट डालने से क्या है, बाद में साल्ट डालने से वो लगता नहीं है ठीक से, लेकिन जब ये हल्का सा फ्राई हो जाता है उसी समय साल्ट डाल के फिर से मिलाने से ये बढ़िया सा मिक्सर बन जाता है। जब बढ़िया सा मिक्सर बन जाता है तो अपने पास जो पका हुआ चावल है उसमें इस मिक्सर में मिला देना चाहिए। जब पका हुआ चावल डाल दिया, उसके बाद मिक्सर अच्छे से लगने के लिए नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बढ़िया सा कच्चे से घोलना चाहिए। ये काम तो सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ। जब ये अच्छा से मिला दिया तो उसके ऊपर ऊपर पेपर पाउडर, जो काला मिर्च पाउडर होता है, वो डालने से बढ़िया स्वादिष्ट हो जाएंगे। जब काला मिर्च पूरा डाल देंगे तो अच्छा देखने में अच्छे लगेंगे, खाने में और अच्छे लगेंगे। जब काला मिर्च डाल दिया, फिर एक बार दो बार ऐसे ऐसे घुमा देंगे, ऐसे ऐसे उसमें कच्चे से हिला देंगे तो फ्राइड राइस बढ़िया सा बन जाता है। ये है फ्राइड राइस। एक बार खाओगे, बार बार बना के